नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। कोरोना वायरस पूरी दुनिया में तबाही मचा रहा है। भारत में भी ये वायरस तेजी से पैर पसार रहा है। देश में 21 दिन का लॉकडाउन जारी है। वहीं सरकार की तरफ से लोगों को घरों में रहने और मास्क पहनकर बाहर निकलने की अपील की जा रही है। दरअसल कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में मास्क एक बहुत ही कारगर हथियार साबित हो रहा है, लेकिन मांग के मुताबिक सबके लिए मास्क उपलब्ध हो पाना मुश्किल है। ऐसे में मध्य प्रदेश के रीवा से सांसद ने खुद ही अपने क्षेत्र के गरीबों तक मुफ्त में मास्क बनाकर पहुंचाने की ठान ली है। लॉकडाउन में उनके लिए क्षेत्र में कहीं जाना आसान नहीं है, इसके चलते उन्होंने पहले सिलाई सीखी है और फिर खुद से कपड़ों का मास्क बनाना शुरू कर दिया है। आवश्यकता बढ़ता देख उन्होंने अब इस काम में प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र की प्रशिक्षित छात्राओं की भी सहायता लेनी शुरू कर दी है, ताकि क्षेत्र में जरूरतमंदों को मास्क की कोई दिक्कत ना रहे। दोबार के सांसद जनार्दन मिश्रा मास्क तैयार करके उन लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं जो मेडिकल शॉप से मास्क नहीं खरीद पाते। वो खुद से मास्क सिलाई का काम ही कर रहे हैं, बल्कि उसके लिए खुद से कपड़े भी काटने का काम कर रहे हैं। सांसद जी की इस पहल को सोशल मीडिया पर काफी सराहा जा रहा है। जनार्दन मिश्रा ने बताया कि मास्क तो छोड़ दीजिए, पहले मुझे कुछ भी सिलाई नहीं आती थी। इसके लिए पहले मैंने मास्क बनाने के लिए कपड़े की कटाई सीखी, फिर साधारण सिलाई मशीन से उसकी सिलाई करना सीख लिया। जब उनसे सवाल पूछा गया कि उन्हें मास्क ही बनाने का कैसे सूझा, इस पर उन्होंने बताया कि जनप्रतिनिधियों की ये जिम्मेदारी है कि मुश्किल वक्त में अपने क्षेत्र के लोगों के साथ खड़े रहें। लेकिन लॉकडाउन की वजह से जब कहीं आ जा ही नहीं सकते, तो किसी की सहायता कैसे कर सकते हैं। इसके लिए मैंने लोगों की जरूरतों की एक लिस्ट बनाई और तब मैंने ये तय किया कि आखिर सबसे ज्यादा जरूरत तो मास्क की है, और मैंने वही बनाना शुरू कर दिया। बता दें कि मध्य प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। प्रदेश में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 200 के पार हो गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।